सफर कैसा रहा आपका? ओ, इतना बुरा भी नहीं है। तुम्हें सांस लेने का वक्त मिल गया? मुझे तो यहाँ आना ही नहीं था। अच्छा, कहाँ है वो? उस तरफ। वॉन गियर्सबर्ग, जो बैडन यूटनबर्ग से हैं, जर्मनी के रईस वर्ग के लोग, पिछले संडे उन्होंने यहाँ शिकार का आयोजन किया था। ये उनकी एक परंपरा है, साल में एक या दो बार ये सभी अमीर लोग शिकार के लिए मिला करते हैं, फिर सैटरडे को पार्टी और संडे को फ्रैंको जर्मन बॉर्डर पार करके शिकार के लिए निकलते हैं। यहीं क्यों? जर्मनी में शिकारी कुत्तों के साथ शिकार करना इलीगल है, इसलिए वो यहाँ आ जाते हैं। लाश वहां पर मिली थी। कब मिली थी? संडे की सुबह। सैटरडे वो कहाँ था? दूसरों के साथ लंच कर रहा था। शिकारियों की टोली में से दो फ्रेंच आदमियों को लाश मिली थी, सिर अलग और अंतड़ियां निकली हुई। अच्छा, ये बताओ, ये फ्रेंच लड़के कौन है? वो गियर्सबर्ग ग्रुप के लिए बिजली के पुर्जे बनाने का काम करते हैं। वो लोग काउंट की मौत के समय कहीं और थे। और किसी ने भी कुछ देखा या सुना? नहीं नहीं, वो लोग शिकार करने में शायद कुछ ज्यादा ही व्यस्त थे। CSI टीम को ना तो कोई फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, ना ही कोई और सबूत। वॉन गियर्सबर्ग कैसल। लॉरा, उन्होंने अभी अभी सीमा पार की है। मुझे लगता है उनकी लिस्ट में आप सबसे पहले होंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसी देख रही थी। काफी अरसा हो गया। आप मैसेजेस का जवाब नहीं देते, पता नहीं चलता आप कैसे हैं। काम में बिजी था। जानती हूँ। तो काम निपटा? अभी तक तो नहीं। मर्डर का मकसद पता चला? कुछ भी हो सकता है, पेशे के कारण खुंदस या वैध काम, या फिर राजनीतिक हमला भी हो सकता है। वो कैसे? यहाँ पर काफी सारे एनिमल एक्टिविस्ट्स हैं, और जैसा कि सब जानते हैं, वॉन गियर्सबर्ग एक विशाल हंटिंग एरिया के मालिक हैं। आप थोड़ा धीरे चलाएंगे? मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि पीड़ित की स्थानीय लोगों से जरूर कोई रंजिश रही होगी। मैंने इसे साइको एंगल से भी देखा, और मैंने दोनों पक्षों की जांच की। कोई भागा नहीं, ना कोई हॉस्पिटल से निकला, ना कोई साधारण क्राइम। ये किसी फर्स्ट टाइमर का काम लगता है। जर्मन खबरियों ने कुछ बताया? अब तक तो कुछ भी नहीं, और वो लोग वॉन गियर्सबर्ग के मामले में पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए तो हम यहाँ हैं, अमीर लोगों के छक्के छुड़ाने के लिए। हेलो हेलो लियो, हद होती है यार, तुम कॉल लगाकर बात क्यों नहीं कर रहे हो? ये क्या मजाक है? मुझसे कुछ मत पूछना। तो मैंने तुमसे कब पूछा कमिल? वैसे भी आप कुछ नहीं पूछते। अरे धीमे कीजिए, हमें राइट लेना है। हाँ ठीक है ठीक है। हम एग्जैक्टली जा कहाँ रहे हैं? हम वॉन गियर्सबर्ग के फैमिली डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, फिलिप शुलर। उन्होंने ही स्टुटगार्ट में ऑटोप्सी की थी। क्या मतलब, वहाँ कोई फोरेंसिक वाला नहीं था क्या? स्पेशल मांग की वजह से वॉन गियर्सबर्ग ने इस काम के लिए अपने ही डॉक्टर को नियुक्त किया। अच्छा। तो मैं पूरा यकीन है कि शुलर किसान नहीं? वो एक साइंटिफिक रिसर्च कम्युनिटी में रहते हैं।
फ्रेंच पुलिस, अंदर जाने दीजिए। पता है आपका ही इंतजार था, मैं फिलिप शूलर हूँ। देखिए गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, ये प्रोटेक्टेड जोन है, आप वहाँ पार्क कर दीजिए। ठीक है। हम यहाँ यूरोप के बेस्ट साइंटिस्ट को रिक्रूट करते हैं, हमने नोबेल प्राइज भी जीता है। कौन से फील्ड में? बायोलॉजी, फिजिक्स, जेनेटिक्स। हम इकोलॉजिकल मामले का हल खोज रहे हैं। और आप बॉन गियर्सबर्ग के डॉक्टर भी हैं? सब एक ही बात है। मजाक कर रहा था। मैंने काफी समय से प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन मैं उनके काफी करीब हूँ। बेचारे बच्चे को कैसे बेरहमी से मार डाला, योलिन का भविष्य काफी उज्जवल होता। बियर? नहीं शुक्रिया। आपको? नहीं। ठीक है, तो बताइए आपको क्या जानना है। मैंने अपनी रिपोर्ट 2 दिन पहले फ्रेंच पुलिस को भेजी थी। हाँ, और आपने कहा कि आपको पता नहीं चला मौत किस वजह से हुई। सही कहा। वैसे तो गला काटा है, लेकिन सिर धड़ से अलग मिलने की वजह से कहना मुश्किल है। उस हत्यारे ने खाने की नली, पेट और आंतों को निकाल दिया। क्या लगता है आपको? ये शिकार का एक तरीका है, इस तरह हवा निकालते हैं अंगों की सूजन रोकने के लिए। ऐसा पिश में करते हैं। किसमें? शिकार करने का एक तरीका। शिकार के पास जाकर देखते हैं वो शिकार करने लायक है या नहीं। पिश में आप सिर्फ एक तंदुरुस्त नर को मारते हैं, उसे ताकतवर नर कहते हैं, जैसे बड़े दांतों वाले जंगली सुअर या बड़े सिंह वाले बारह सिंघा। ये तो कमाल की बात है। ये मुझे पसंद नहीं। मैं तो चाहूंगा इस जांच में अपने कुत्ते का इस्तेमाल करूं। मैं शिकारी कुत्तों की नस्ल का भी स्पेशलिस्ट हूं। काउंट वॉन गियर्सबर्ग के मुंह में ओक ट्री की एक शाखा पाई गई थी। द बाइट में ऐसे रिवाज होता है ना? बिल्कुल, मारे गए जानवर को अंतिम भेंट दी जाती है। तो अंगों को गायब करना भी कोई परंपरा होती है क्या? नहीं, पेश में एक अलग नियम है, उन्हें दफनाया जाता है। क्या मतलब है आपका, और आपको कैसे पता? वो शरीर के पास ही मिले थे ना। क्या आपने अपने सहयोगी जासूसों के साथ बात नहीं की? मैं स्ट्रासबर्ग को कॉल कर रही हूँ। मतलब नहीं, वो हमसे नाराज है। उम्मीद है कि जर्मन्स तो हमारी मदद करेंगे। वैसे लिस्ट में अगला कौन है? योर्गन की बहन लॉरा वॉन गियर्सबर्ग, 35 साल की है। अपने माता पिता की मौत के बाद इन दोनों ने ही बिजनेस संभाला। तो क्या उनमें कोई आपसी रंजिश रही होगी? पता नहीं, शायद अगली बारी उसी की हो। और परिवार के बाकी लोग? 3 भाई हैं पिछली पीढ़ी के, कुर्ट, योर्गन और लॉरा के पिता। पत्नी की आत्महत्या के बाद कैंसर से उनकी मौत हो गई। डिटर काफी कम उम्र में गुजरे, और उनके 2 बेटे हैं, और फ्रांस अब भी है, उनके बीवी बच्चे नहीं हैं। तो ये सारे हैं इस इलाके के वॉन गियर्सबर्ग्स। काउंटेस लॉरा अब भी अकेले अपने परिवार के हंटिंग लॉज में रहती है। हेलो, मैं हूँ लॉरा वॉन गियर्सबर्ग। डिटेक्टिव निमोंस, लेफ्टिनेंट डिलोनी। मैंने ही आज आपको कॉल किया था। पता है। ये विला दी वेरे, मेरे परदादा को इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन बहुत पसंद था। उन्होंने खुद इस घर को 1920 में बनवाया था। आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? आपके सारे सवालों के जवाब दे चुकी हूँ। हमारे नहीं, माफी चाहता हूँ। अच्छा, लग तो नहीं रहा। मेरा काम ऐसे, लेकिन थोड़ी दया तो है मुझ में। तुमने योर्गन को आखिरी बार कब देखा था? जब सबने देखा था, सैटरडे दोपहर को। वो लंच के समय कुछ देर मिलने आया था। उसे इस तरह के सोशल इवेंट से नफरत थी। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं? नहीं। तुम्हें उसकी फिक्र नहीं हुई? वो अक्सर बिना बताए चला जाता था, लेकिन एक दिन से ज्यादा नहीं।
वैसे भी मुझे पता था कि वो शिकार के लिए ही गया होगा। उसकी जिंदगी में कोई और भी था? आपने जरूर उसकी बुरी आदतों के बारे में सुना होगा। वो हमेशा स्टुटगार्ट के SNM नाइट क्लब में जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसका सिर काट दे। लोग जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। वहां का एनवायरनमेंट सुरक्षित होता है। और तुम में भी तो जरूर बुरी आदतें होंगी, है ना? ये तो साफ है कि आप यहां के नहीं हैं, क्योंकि मुझसे आज तक ऐसे सवाल पूछने की किसी ने हिम्मत नहीं की। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नहीं, मैं ऐसे क्लब्स में नहीं जाती। मेरी पसंद काफी क्लासिक है। क्या योगन का कोई दुश्मन था? हमारे परिवार की कीमत 1 अरब यूरो है, जिसकी वजह से हमारे सभी तरह के दुश्मन हैं और हमसे कई लोग जलते भी हैं। क्या कभी उसे किसी ने धमकाया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आपके और योगन के कोई बच्चे नहीं है, तो मौत के बाद संपत्ति का वारिस कौन होगा? तब वो हमारे चचेरे भाई लुडविक और मैक्स को सौंपा जाएगा, जिस पर मुझे हैरानी होगी। उन्हें सिर्फ लड़कियां और शिकार चाहिए, यही उनका काम है। और अंकल फ्रांस का क्या? वो एक साधु हैं। वो अकेले रहते हैं और उन्हें बिजनेस में कभी भी कोई भी दिलचस्पी नहीं रही। तुम सैटरडे की रात को कहां थी? आपको मुझ पर शक है? सब पर। तो तुम संडे की सुबह तक कहां थी? मैं यहीं थी। अकेली? नहीं, मैं अपने एक रीजनल डायरेक्टर के साथ थी। उस रीजनल डायरेक्टर का नाम बता सकती हूँ मैं? पता नहीं फ्रेंच लोगों को किस बात का गुस्सा है। यूं मान लो वो बहुत अट्रैक्टिव था। अपने फ्रेंच कॉलीग से पूछो, उन्होंने सबसे पहले इसकी जांच की थी। हमारी हर एक राइफल यूनिक है। आप शिकार करते हैं? शिकार उस लायक हो तो। तुम अपने भाई के काफी करीब थी? हम जुड़वों की तरह थे। हमारी सेम फीलिंग्स थी। हम एक वक्त पर एक जैसा सोचते थे। स्ट्रिक्ट पिता और माँ की आत्महत्या की वजह से हम एक दूसरे का सहारा थे। और अभी ऑर्गन भी चला गया, मैंने सब कुछ खो दिया। तो मैं पता है उसके शरीर की ऐसी हालत क्यों की गई? आप पियर्स की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। मेरा परिवार उस मेथड से शिकार नहीं करता। हम शिकारी कुत्तों और घोड़ों के साथ शिकार करते हैं। हम इतने बेरहम नहीं हैं जितना लोग हमें समझते हैं। आपका जर्मन कॉलीग। मैं जर्मन पुलिस से चीफ इंस्पेक्टर निकोलस क्लेनार्ट हूँ। डिटेक्टिव निमोल्स, लेफ्टिनेंट डेलाउनी। आप मुझे कब बताने वाले थे कि आप आ गए? हम अभी अभी तुम्हारी सीमा में दाखिल हुए हैं। मुझसे झूठ मत बोलिए डिटेक्टिव। मुझे पता है कि आप काउंटेस लॉरा से बात कर रहे थे और आपने डॉक्टर शूलर से भी बात की। अच्छा, यहाँ तो खबर जहाँ से भी तेज फैलती है। आप इस वक्त मेरे डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ पर सिर्फ मेरी चलती है। लेकिन मैं किसी की नहीं सुनता। खैर, जो भी हुआ, आप लेट हो चुके हैं। हमने उसे पकड़ लिया। थॉमस क्राउस एक एंटी हंटिंग एक्टिविस्ट, उसने अभी कन्फेस किया। अच्छा, उससे कोई सवाल पूछ सकते हैं? कल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी निगरानी में। कल ही क्यों? ऐसे साइकियाट्रिक इन्वेस्टिगेशंस में कुछ प्रोविजनल मेजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। डॉक्टर का ऑर्डर है। चाहता क्या है वो? उन्होंने बस ये कहा है कि ये एक मानवीय कार्य है। वो जेल से छूटा तो उसकी कब्र पर जाकर पेशाब कर देगा। क्या ये बात काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। काउंटेस लॉरा को ये बात मत बताना, क्योंकि फेडरल प्रोसिक्यूटर उन्हें ये बात खुद इन्फॉर्म करेंगे। बिल्कुल, मैं कोई हंगामा खड़ा करना नहीं चाहता। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो?
आप CBCO से बात कीजिए, जानते हैं ना वो क्या है? अनयूजुअल मर्डर्स के लिए एक नया सेंट्रल ऑफिस नियुक्त किया गया है जिससे मदद मिलेगी। समझो, हम तुम्हें तंग करने आए। मुझे आपकी रिपोर्ट्स कल सुबह तक चाहिए। कैसे रिपोर्ट्स? वही जो आपने शूलर और लॉरा वॉन गेयर्सबर्ग से पूछा। जर्मन धरती पर हुई पूछताछ मेरे विभाग द्वारा मान्य होनी चाहिए, यहाँ के रूल्स हैं। आपने अब तक अच्छे से बात करना नहीं सीखा। क्यों परेशान हो रही हो? मुझे लगता है कि तुम उसे काफी पसंद आ गई। कुछ भी। अच्छा। तो मुलाकात कैसी रही? बेकार। जानते हैं 1933 में फायरमैन ने हैशटैग को जलने क्यों दिया? नहीं जानते। क्योंकि साइन बोर्ड पर लिखा था घास पर चलना मना है। आपके कमरे तैयार हैं, हमारे परिवार की परंपरा है मेहमान नवाजी। हमारे कजिन्स भी डिनर पर आएंगे, आप अपने सारे सवाल उन सबसे यहीं पूछ सकते हैं। हेलो, तुमने बहुत अच्छा किया, काफी सोची समझी चाल है। यस, ओके, कल मिलते हैं। क्या क्लाइनार्ट ने आपको खबर दी? क्या तुम्हें पता चल गया? मेरी जानकारी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम तो पिनशे की बोली बोल रही हो। जब तक जांच पड़ताल चल रही, क्राउस सिर्फ एक संदिग्ध है। लेकिन उसने कबूल किया। कबूल करने से कुछ नहीं होता, तुम जानती हो उसे। वो हमारे परिवार का दुश्मन है, लेकिन सोचा नहीं था वो मर्डर कर सकता है। बताओ उसने कबूल क्यों किया? किसी ने उकसाया होगा या कुर्बानी दे रहा होगा। क्राउस को हंटिंग करना पसंद नहीं, वो इस खेल को नहीं समझता। शिकार के बिना प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन जरूरी है, जीवन बनाए रखने के लिए मृत्यु जरूरी है। नहीं शुक्रिया, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी होगा। जैसे कि प्यार से। वो लोग आ गए। अगर क्राउस ने ये सब किया है तो उसको हम देख लेंगे। क्या कहा? उस कुत्ते के बच्चे ने हमारे परिवार पर हमला किया, उसे हम मार डालेंगे। वाइन लेंगे डिटेक्टिव? नहीं शुक्रिया, नशे में रहा तो तुम्हारे स्टेटमेंट पर पता नहीं क्या बर्ताव करूंगा। ये हमारी जमीन है, जानवर के हम इंसानों का भी शिकार कर सकते हैं। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वक्त बदल चुका है। राजाओं का जमाना जा चुका है और अदालतें आ चुकी हैं। मैक्स मजाक कर रहा था डिटेक्टिव, यहाँ कोई कानून से ऊपर नहीं है। हिरन का मांस लेंगे? नहीं, मैंने खुद इसे मारा है। लेफ्टिनेंट, आपको टेस्ट भी नहीं करना? नहीं, मैं जानवरों को जिंदा देखना पसंद करती हूँ। शिकार हमारे परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है। मेरे भाई का मतलब यह है कि हम अपने मामलों को निपटाने के आदी हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? पुलिस वाले भी तो एक तरह के शिकारी होते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारा शिकार खुद का बचाव कर सकता है। मेरे भाई को कोई मौका नहीं मिल पाया। एक रात के लिए इतना पागलपन काफी था। हाँ, लेकिन कल उनके अलिबाई की जांच कर लेना। तुम थक गई हो ना? नहीं,
देखो अगर वीजी ग्रुप के बारे में कुछ और पता लग सके, उनके स्ट्रक्चर, एनुअल रिपोर्ट्स, मैनेजर, शेयर होल्डर्स, दोनों चचेरे भाइयों पर भी नजर रखना। उसके बाद हमें सिर्फ लॉरा से बात करवानी है। और कुछ नहीं। अब आप उसे नाम से बुलाने लगे हैं? वो मेरी टाइप की नहीं, काफी क्लासिक है। मुझे नटखट लोग पसंद है। अच्छा, मैं पूरी रात अकाउंट चेक करने वाली हूँ, आपका क्या प्लान है? मैं पिर्श के बारे में थोड़ी और रिसर्च करूंगा। ओके है? शिकारी अपने शिकार का सम्मान करते हैं, वो जानवर और उसके पर्यावरण की रक्षा करते हैं। शिकारी को हमेशा अपने शिकार को परख कर ताकतवर नर को मारना चाहिए। अगर शिकार उम्र में छोटा या बहुत कमजोर हो तो उसे पिर्श नहीं माना जाता। इसीलिए हम अपने कुत्तों को सही शिकार की पहचान करने के लिए ट्रेन करते हैं। तुमने सुना? वो तुम्हें मारने आ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता? क्या मैं अपना बचाव नहीं करूंगा? तुम्हें मारने के लिए उसने मैं ट्रेन किया है। मुझ पर हमला करने से पहले वो तुम्हें पकड़ लेगा। लिकोरिस नहीं सुनता है, वो तुम्हें मारने आ रहा है। लिकोरिस, लिकोरिस, लिकोरिस। क्या हुआ? कहीं चोट तो नहीं लगी? आपके चेहरे पर खून लगा है। हाँ, इसी कुत्ते का है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी जमीन है। मैं और मेरा भाई यहाँ हमेशा आया करते थे। मैं यादें इकट्ठा कर रही हूँ। ये कुत्ता तुम्हारा है? नहीं। वो पैरामिलिट्री वर्दी में था और उसने वर्ल्ड वॉर टू की कैप पहनी हुई थी और बैलेक्लावा या शायद मास्क, मुझे ठीक से याद नहीं। अरे बाप रे, सच में? आपको यकीन है कि आप ही उसका टारगेट थे? नहीं, वो मेरे साथ खेलना चाह रहा था। और उस वक्त काउंटेस कहाँ जा रही थी? मुझे नहीं पता, अभी अपने घर में, लेकिन घबराई हुई है। बेशक वो फ्रेंच पुलिस के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं थी,
इस पर एक टैटू है पर इसकी नस्ल नहीं पता। इसे शूलर के पास भेज दो। लेकिन क्यों? नस्ल की पहचान के लिए, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है। ये कुत्ता यहाँ नहीं होना चाहिए और हमें 2400 घंटे निगरानी रखनी पड़ेगी। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूँ, यहाँ पर ऑर्डर सिर्फ मैं देता हूँ। तो फिर दे दो, जब तक हमारे विचार एक हैं। बैचू शिकारी जानवरों को अपनी ओर भगाने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो हत्यारा कोई नया खेल खेल रहा है? हो सकता है, शायद लौरा के लिए कोई अलग रस्म होगी। ये बेशक ही बदला है कमील, बदला जिसका संबंध शिकार से है, ये असली पहलू है। शायद वॉन गेर्सबर्ग से एक शिकार दुर्घटना में शामिल थे। निमोन्स? हाँ बोलो। आपने कुत्ते के शरीर की तरफ देखा तक नहीं, आपको कोई फोबिया है क्या? नहीं, मुझे बिल्लियां पसंद है। Suburbs of Karlsruhe, Germany. आज कमील नहीं आई? हाँ नहीं आई, लेकिन मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ ना। कहाँ है वो? सेल में है, उसने कल से एक बात नहीं की है। खुद का बचाव कर रहा है वो। मैं आपको बस 10 मिनट दे सकता हूँ, लेकिन मेरी मौजूदगी में। कॉफी? मुझे थोड़ी देर हो रही है, पर क्या मैं एक क्रोसॉ ले सकती हूँ? बिल्कुल। क्या आपके परिवार के साथ कभी शिकार के समय कोई दुर्घटना घटी थी? नहीं, ऐसा तो मुझे याद नहीं आ रहा। कई बार गेस्ट लापरवाह हो जाते थे, लेकिन योर्गेन सब कुछ ठीक कर देता था, बिल्कुल परफेक्टली। उसकी एक खूबी थी। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं अब अकेली हूं। मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं। क्या आपके बच्चे हैं? आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैंने शादी नहीं की। एक मिनट रुकिए, क्या वो लोग पूरे दिन मेरे साथ रहेंगे? आपकी सेफ्टी के लिए हैं। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। हाँ जानती हूँ। हाँ तो क्रॉस, हम यहाँ तुम्हारा ऑफिशियल कन्फेशन लेने आए हैं। चलो अपनी कहानी बताना शुरू करो, हम उसे लिखना शुरू कर देंगे, फिर तुम उसे साइन कर देना और उम्र भर जेल में सड़ना। हाँ, मैंने ही किया, मैंने मारा उसे। कैसे? मैंने उसे जंगल में देखा था। वो पैदल था या घोड़े पर? पैदल था। तुम उसका पीछा कर रहे थे? नहीं, मैं तो वहां शिकार रोकने गया था। अच्छा, इतने सारे कुत्ते और हथियारबंद आदमियों के सामने तुम अकेले? अगर शिद्दत से चाहो तो पहाड़ भी हटा सकते हो। ठीक है, तो तुमने उसे कैसे मारा? चलो जल्दी बता दो। पहले मैंने उसका गला काटा, फिर मैंने उसका सिर काट दिया और हथेलियां निकाल दी। वेरी गुड। औजार थे तुम्हारे पास? मेरे पास चाकू था और कुल्हाड़ी, मैंने सब नदी में फेंक दिया। एक अनुभवी हत्यारा ही ऐसा कर सकता है। बकवास के अलावा और क्या काम करते हो तुम, कसाई का या डॉक्टर का? तहनी को उसके मुंह में क्यों रखा था? वो एक परंपरा है, हमेशा जानवर को मारने। नहीं, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं करते, लेकिन पिरशी क्यों? दुश्मन का सम्मान करने के लिए। धड़ से अलग और अंतड़ियों को निकाल देना सम्मान है। वही तो फिर शिकारी कहते हैं, है ना? बहुत अच्छे, फुल मार्क्स। अंतड़ियों के साथ क्या किया? क्या किया बताओ? उन्हें भी पानी में फेंक दिया। अच्छा, और कपड़े? जला दिए। इसके पीछे मकसद क्या था? मुझे बदला लेना था। वो उनके एसबक यूनिवर्स के लिए, कोर्ट के लिए एक अपराध है। वे अपने साथियों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। किसी दिन ये लोग मिलकर दुनिया को तबाह कर देंगे। झूठ बोल रहा है वो। दफनाई अंतड़ियों के अलावा सब कुछ न्यूज़ पर था। हमने बहुत समय बर्बाद किया है, आई एम सॉरी।
उसने परेशान करके रखा है। हम जहाँ थे वहीं हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम, मैं और कमिल मिलकर इस मामले को सुलझा लेंगे। उससे पूछताछ करने देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आपको एक और रिपोर्ट लिखनी होगी। हाँ, नंबर 3 भी आ गई। मैं क्राउस का ट्रांसफर ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ। मिलते हैं। मैंने सारे फैक्ट्स चेक कर लिए फ्रेंच और जर्मन दोनों हंटिंग सोसाइटीज के बारे में। पिछले 20 साल में उनके परिवार में एक भी हादसा नहीं हुआ है। और क्रॉस? एक सरफिरा और झूठा इंसान। कमील, रात को अच्छे से नींद आई? हाँ, बहुत अच्छे से आई, शुक्रिया। अच्छा, मेरे पीछे आइए। इसका मतलब क्रॉस मुद्दे से बाहर है। वो कहते हैं ना, अच्छे इरादे मुलजिम तक ले ही जाते हैं। पूरी तरह से तो सहमत नहीं हूं, पर ठीक है, मानता हूं। तो अब सिर्फ एक सवाल, अपराध से फायदा किसे होता? चचेरे भाइयों को? नहीं, वो लोग तो सुबह तक पार्टी ही कर रहे थे, और वो लोग उस लाइन में नहीं आते कि इस ग्रुप को टेक ओवर कर पाए। और वो बूढ़े अंकल फ्रांस, वो भी अय्याशी करते हैं? ओ प्लीज, मिस्टर वॉन गेसबर्ग विकलांग है, व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं, और उनको बिजनेस में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं है। विकलांग का मतलब ये नहीं कि इसमें उनका हाथ नहीं हो सकता। और क्या बचा? वो हंट, पेश, वो कुत्ते और यॉर्गन की मौत में इस्तेमाल हुई परंपराएं, बात घूमकर शिकार पर ही आती है। हम शायद उस परंपरा के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ये परिवार के पेशेवर तरीकों में से एक भी तो हो सकता है। वॉन गेसबर्ग का कुछ कहा नहीं जा सकता। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई कर्मचारी काउंट के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसके परिवार के अतीत के बारे में जानना होगा। कल रात कैप और मास्क पहने लड़के के बारे में कुछ पता चला? अभी तक कुछ नहीं। हाँ, हम आ रहे हैं। क्या ये कभी बताते भी हैं ये कहाँ जा रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। इसे पहचानना आसान है, ये रोशकिन है। ये नस्ल यूरोप के महायुद्ध के बाद गायब हो गई थी, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद इसका खात्मा हो गया था। अच्छा, सबूत क्या है? स्टैम्प्स। पहले बात खत्म कीजिए प्रोफेसर। क्या आपने कभी ब्लैक हंटर्स के बारे में सुना है? सौंदरायन हाइदर लबंगर। बिल्कुल सही। क्या है वो? 41 में हिमलर ने कैदियों के साथ मिलकर एक स्पेशल ब्रिगेड शुरू की थी। इस बारे में मुझे कुछ किताबें मिली हैं, यहीं हमारी लाइब्रेरी में। इन लोगों को रैंडमली नहीं सेलेक्ट किया गया था, उससे पहले इन्हें अच्छी तरह परखा गया था। वो सारे शिकारी थे, वो लोग जंगल में शिकार पर नजर रखने में माहिर थे। क्या यही वो मास्क है जो आपने देखा था? हाँ, करीब 4 सालों तक उन्होंने ऑस्कर डे लेवांगन के लिए काम किया था। ब्लैक हंटर्स ज्यूज पर ईस्टर्न फोर्ट से नजर रखते थे। उन्होंने पार्टिजान फाइटर्स को जंगल में ढूंढ निकाला था। उन्होंने वहां के हजारों लोगों को मारा और उनका बलात्कार किया। हमें आपसे पूरा हिस्ट्री लेसन नहीं सुनना है प्रोफेसर, आप उस कुत्ते के बारे में बताइए। बस इतनी ही बात है, वो सभी अनुभवी शिकारी थे। उन्हें सबसे पहले जिन कुत्तों की नस्ल यहाँ मिली, बेलारूस जाते ही उन्हें ट्रेन करना शुरू किया। वो थे रोशकिन। कुछ ही महीनों में उन्होंने कुत्तों को घातक हथियारों में बदल दिया। जानवर जो आपकी सब बात मानते हैं, आपके कहने पर शांत हो जाएंगे या फिर आपको चुटकी भर में चीर फाड़ देंगे। जब ब्लैक हंटर्स खत्म हो गए, तब इस नस्ल के कुत्ते भी आज तक किसी ने यूरोप में इसे नहीं देखा था। आपका मतलब मरे हुए नाजी जाग रहे और अपने भूतिया कुत्तों से हमला करवा रहे हैं? हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बात थोड़ी बेतुकी लग रही है, लेकिन आप ये देखिए, इस कुत्ते पर एक चिन्ह बना हुआ है जो डल्ले वांगर की स्पेशल ब्रिगेड का है। कुछ लोग कहते हैं कि वो वॉर के अंत में मारा गया था, तो कुछ कहते हैं कि वो सीरिया या इजिप्ट भाग गया, लेकिन कुछ कहते हैं कि वो यहीं कहीं छुपा है, बेडन यूटमबर्ग में, वॉन गाइसबर्ग द्वारा संरक्षित। लेकिन उनके द्वारा ही क्यों? वो एक नामी जर्मन इंडस्ट्रिस्ट है जो वॉर के समय नाजिस के काफी करीब आ चुके थे। डिटेक्टिव, कोई है जो आपकी मदद कर सकता है? वेर्नर रॉयस, ये आदमी सिरफिरा है, लेकिन ये कुत्तों की नस्ल के बारे में काफी कुछ जानता है। कोई भी रोशकिन खरीदा बेचा जाता है, उसे जरूर पता रहता है। और उस कुत्ते का क्या करना है? उसे बर्फ में रख दो, वो सबूत है। रॉयस का फार्म 20 किलोमीटर दूर है, साथ चलेंगे?
कमिल तुम्हारे साथ जाएगी, मुझे कुछ काम निपटाने। आप कहाँ जा रहे हैं? उस बूढ़े आदमी से बात करने। आप नेमंस के साथ काफी सालों से काम कर रही हैं? कुछ महीनों से, पर मैं उन्हें सालों से जानती हूँ। वो एकेडमी में मेरे टीचर थे। मुझे लगा नहीं था वो एक टीचर हैं। थोड़े से अजीब हैं। वो परफेक्ट हैं। वो काफी सारे ब्रिगेड्स को चलाते थे, लेकिन ग्रेनोबल का केस लड़ते समय वो घायल हो गए। उसके बाद वो इंस्ट्रक्टर बन गए। हाँ, लेकिन वो कोई और काम भी तो कर सकते थे। लेकिन उनकी अपने सुपीरियर से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। क्या बात कर रही? वो जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है, पर वो बेस्ट है। तुम उनके प्रति इतनी वफादार क्यों? हेलो हेलो, पूछने से पहले बता दूं, बॉयफ्रेंड का कॉल नहीं था। मैंने आपसे पूछा भी नहीं। ओह माफ कीजिए, लेकिन अब तो आप जान गए ना कि मैं सिंगल हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हूँ। मेरी बीवी है और दो बच्चे हैं। 22 की उम्र में शादी कर ली थी, एक अच्छे प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट की तरह। हाँ, तुम्हारी रिंग देख ली थी। उम्मीद है आपको विला दी वेरे पसंद आया। परफेक्ट है, लॉरा ने काफी अच्छे से हमारा ख्याल रखा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। योर्गन भी आपको इतना ही पसंद था? वो काफी चंचल था, लेकिन मैं उससे भी बेहद प्यार करता था। ये दोनों हमेशा साथ रहते थे, दोनों हमेशा मेरे भाई कोर्ट के खिलाफ रहते थे। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कोर्ट दोनों पे काफी सख्ती बरतता था, चाहता था कि दोनों साहसी बने, पर लॉरा के साथ ज्यादा ही सख्त था। उसे वो पसंद नहीं थी? वैसी बात नहीं, वो एक लड़की है, इसलिए उसे बाकियों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन उसने दोनों को ग्रुप का को-डायरेक्टर बनाया है ना? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। योर्गन को विरासत में बिजनेस मिला, लेकिन वो अपनी बहन से बेहद प्यार करता था, इसीलिए उसे अपने साथ रखा। और आपको नहीं? नहीं, मुझे बिजनेस कभी पसंद ही नहीं आया था। मुझे उससे घिन आती थी। सच बताऊं तो बिजनेस कभी मेरे पल्ले पड़ा ही नहीं। चलो चलते हैं। सभी वॉन गेर्सबर्ग शिकारी हैं, लेकिन आप क्यों नहीं? क्योंकि मैं समझता हूँ शिकार करना प्रकृति के खिलाफ है। मैंने भी शिकार किया है और उसी वजह से मेरा ये हाल है। मैं छोटा था, कोर्ट मेरा भाई, वो इतना भी अच्छा निशानेबाज नहीं था, या शायद वो काफी ज्यादा अच्छा था। आप कहना क्या चाहते हैं? कि उसने आपको जानबूझकर चोट पहुंचाई? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे अंकल से पूछताछ कर रहे हैं? हम सिर्फ बात कर रहे थे। बस कुछ साधारण सी बातें। मेरे स्टेटस की वजह से ऐसी साधारण बातें देखा जाए तो काफी कम होती हैं। आप यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? तुम्हारे भाई के हत्यारे को। गुस्सा मत करो बेटा, अंदर जाइए, आपको ठंड लग जाएगी। मुझे लगा था आपको अपराधी मिल गया है डिटेक्टिव। तुम सही थी, क्राउस हत्यारा नहीं है। मुझे लगता कोई तुम्हारे परिवार से बदला लेना चाहता है, वजह शायद शिकार से जुड़ी है। तो इसलिए आप उस इंसान से पूछताछ कर रहे हैं जिसने पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर बिता दी? वो मुझे बस अपने एक्सीडेंट के बारे में बता रहे थे। तुम्हारे परिवार ने काफी तकलीफें झेली है ना? मेरे साथ आइए।
आपका गुर्जर बिल्कुल सफाई नहीं रखता। हेल्थ इंस्पेक्टर्स के आते ही अपने कुत्तों को खुला छोड़ देता है। हाय वर्नर। अच्छा तो आपकी वजह से इतना शोर हो रहा है। ये लेफ्टिनेंट कमील डेलोने है, ये फ्रेंच पुलिस से है। इनकी जो खुशबू है ना, ये मेरे बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, उत्तेजित होते हैं। क्या हम लोग बात कर सकते हैं? किस बारे में? काउंटेस की जमीन पर एक रोथकिन पाया गया है। नामुमकिन, वर्ल्ड वॉर 2 से यूरोप में एक भी रोथकिन नहीं पाया गया। क्या आप नहीं जानते कि इस इलाके में इस नस्ल को ब्रीड कौन कर रहा है? मैं यहाँ 40 साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ के जन में हर पिल्ले को जानता हूँ, यहाँ कोई रोशकिन नहीं है। ये बॉडी शूलो की फैसिलिटी में है। चुप हो जाओ, मैंने कहा चुप हो जाओ। मेरे साथ आइए, ये खुशबू ने पागल कर देगी। आपका मासिक चल रहा है क्या? अरे बाप रे। तो बताओ। एक हादसा हुआ था करीब 20 साल पहले, और उसी वक्त मैंने उनका नाम सुना था। ठीक है, आगे बताओ। वॉन गियर्सबर्ग्स फॉरेस्ट के खिलाफ एक रोमा कम्युनिटी खड़ी हो गई। काउंट ने उन्हें भगाने के लिए आदमी के साथ कुत्ते भेज दिए। कौन? कुर्त फ्रांस या डिटर? डिटर तब तक मर चुका था और फ्रांस ये सब मामलों से दूर रहता था। और फिर क्या हुआ? मैं ठीक से जानता नहीं क्या हुआ, लेकिन एक छोटी लड़की पर हमला हुआ था। कुत्तों ने किया था? पता नहीं कौन सी नस्ल के थे, पर उन्हें तैयार किया गया था। वो कहावत जानते हैं ना, जैसा मालिक वैसा कुत्ता। मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। क्या रोमा के लोग अब भी यहाँ हैं? तुम जाओ और खुद देख लो। ऑटो वॉन गियर्सबर्ग, जर्मनी में इनकी बहुत बड़ी संपत्ति हुआ करती थी। ये अपने जंगल का विस्तार करने के लिए गांव के गांव उजाड़ देते थे, वो जंगल जिन्हें शिकार के लिए बनाया था। ये है ग्रैंड कार्ल, ये नाजीज के करीब थे। कहते हैं ये ज्यूस का शिकार करने के लिए हंटिंग पार्टीज ऑर्गेनाइज किया करते थे। अच्छे थे ना? और ये रहे कूट, मेरे पापा। इनकी मुस्कान पर न जाइए, ये किसी भी स्ट्राइकर पर गोली चलाने से हिचकिचाते नहीं थे। अगर बदले की सोचें तो एक लंबी लिस्ट निकलेगी। आधे लोग तो हमसे नफरत करते हैं और आधे हमसे डरते हैं। हमारी कब्रों पर कोई रोने वाला नहीं है। ब्लैक हंटर्स तुम्हारे लिए कोई मायने रखते थे? सिर्फ लेजेंड्स, ये पुरानी अफवाहें हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं। कहते हैं मेरे पापा ने उन कमीनों को छुपाया और अपनी फैक्ट्रीज में काम दिया। ये सब बकवास है। तुम्हारे पीछे छोड़ा गया कुत्ता रोइटकैन था, एक प्रजाति जिसे हंटर्स ट्रेन करते थे। लेकिन मुझ पर हमला नहीं किया। पर छोड़ा तुम पर ही गया था, जानती हो ना। तो अब भूतों का पीछा कर रहे हैं, है ना? तो मैं सच में खतरा है लौरा, मैं मजाक नहीं कर रहा। कातिल को ढूंढिए निमोन्स, चाहे जो भी हो जाए, और मेरे अंकल को अकेला छोड़ दीजिए। प्लैटिनेट जंगल, एलमानिया।